शिव पुराण भगवान शिव को समर्पित है। इस पुराण में भगवान शिव की लीला कथाओं का वर्णन किया गया है। साथ ही इस पुराण में भगवान शिव की पूजा और व्रत के नियमों को भी बताया गया है। इसी में उन रहस्यों को भी बताया गया है जिनसे भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न करके दुख दरिद्रता और संकटों से पार पाया जा सकता है। शिव पुराण में बताए गए उन्हीं नियमों में से 7 ऐसे रहस्यमय उपाय हम आज आपको बता रहे हैं जिनसे आप भोलेनाथ की महाकृपा से जल्द ही मालामाल हो सकते हैं और जीवन में आनंद का उपभोग कर सकते हैं। शिव पुराण में शिव भक्ति के तरीके। शिव महापुराण में महाकाल की पूजा और प्राकट्य के समय हनुमान जी श्रीकर नाम के शिव भक्त के पास आकर बताते हैं कि शिव भक्ति से बढ़कर संसार में कुछ भी कल्याण प्रदान करने वाला नहीं है। जो शिव जी का भक्त होता है और बिना विधि विधान के भी शिव की भक्ति करता है वह संसार के सुख को पा जाता है, और जो विधि पूर्वक भगवान शिव की भक्ति करता है उसकी तो बात ही निराली है। और इसी क्रम में हनुमान जी श्रीकर को शिव भक्ति के तरीकों के बारे में बताते हैं। शिव पुराण में शिव भक्ति के कई तरीके और उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं कि शिव पुराण के उन्हीं उपायों को जिनसे आप जल्द ही धनी संपन्न और खुशहाल हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव पूजा का लाभ। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा हर दिन और हर समय किया जाना मंगलकारी और लाभदायक बताया गया है, लेकिन शिव पुराण में बताया गया है कि जो शिव भक्त शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर व्रत रखता है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करता है वह भक्त पूरे साल भगवान शिव की पूजा का फल उसी एक दिन में पा जाता है। इसलिए शिव कृपा की इच्छा रखने वाले शिव भक्तों को शिवरात्रि के दिन व्रत अथवा फलहार रखकर भगवान भोलेनाथ का व्रत करना चाहिए और रात्रि काल में विशेष रूप से शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिवरात्रि की पूजा में रात्रि काल की पूजा विशेष फलदायी होती है। इसकी वजह यह है कि शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का अग्नि स्तंभ लिंग पृथ्वी पर पहली बार प्रकट हुआ था और इसी समय से भगवान शिव की पूजा लिंग के रूप में आरंभ हुई थी। शिव मंत्र और जप की संख्या। शिव पुराण में बताया गया है कि जो शिव भक्त पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का 5 करोड़ बार जप कर लेता है वह शिव के समान हो जाता है, यानी उन पर शिव जी की विशेष कृपा हो जाती है और वह शिवलोक में स्थान पा जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का 1 करोड़ 2 करोड़ और 4 करोड़ जप पूरा करने वाले भक्त पर भी ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की कृपा हो जाती है। ऐसे शिव भक्त स्वयं अपने लिए धरती के तमाम सुख पा लेते हैं और इनके दर्शन करने वाले दूसरे मनुष्य भी ऐसे शिव भक्तों के दर्शन के पुण्य से लाभ पाते हैं। भगवान शिव की पूजा से आयु और धन का लाभ। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में 6 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इनसे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिव जी का अभिषेक करने से मनुष्य की आत्म शुद्धि होती है, गंध चंदन लेपन से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पित करने से संतुष्टि और आयु की वृद्धि होती है, शिव जी को धूप दिखाने से धन की प्राप्ति होती है, भोलेनाथ को दीप दिखाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, पान यानी तांबूल अर्पित करने से तमाम सांसारिक भोग की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा के नियम। शिव पुराण में बताया गया है कि शिव भक्ति में साधकों को कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। पूजा के समय शिवलिंग के दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले साधक को माथे पर त्रिपुंड चंदन लगाना चाहिए। शिव जी की पूजा में बिल्व पत्र का बड़ा ही महत्व है, इसलिए शिव जी की पूजा के लिए बिल्व पत्र भी जरूर रखें। जो साधक मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नियमित शिव जी की पूजा करते हैं वह शिव के प्रिय होते हैं और भगवान शिव इनके समस्त दुखों को हर लेते हैं। महाशिवरात्रि पर ऐसे करें शिव जी का अभिषेक। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव का अभिषेक शक्कर और गन्ने के रस से करने से भगवान भोलेनाथ भक्तों की भौतिक मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। ऐसे शिव भक्तों को भगवान शिव रोग और दुख से निकालकर धन और धान्य प्रदान करते हैं। साल के प्रत्येक मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर जो भक्त
भगवान भोलेनाथ की शक्कर और गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं वह शिव जी के बड़े ही प्रिय होते हैं। इसलिए धन की कामना रखने वाले को इन दोनों चीजों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसी हमारी कामना है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको किसी विषय पर वीडियो बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर लिखें।